अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे गांव के नंबरदार को बुलाया और उसे कहा कि मैं बाकी तफ्तीश उसके घर में करूँगा। मैं उसके घर चला गया, मज़र और उसके बाप को साथ ले गया। उन्हें बाहर बिठाया और नंबरदार को अंदर बिठाकर मज़हर की मंगेतर के भाइयों के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि खुशहाल ज़मींदार हैं और दिल गुर्दे वाले हैं। खोजे को जानते हो? मैंने पूछा। उसे कौन नहीं जानता जी, उसने कहा। उस्ताद है, हाथ मारता है और इधर उधर खिला पिला कर साफ बचा रहता है। इन दो भाइयों के साथ खोजे का मेल मिलाप है? खोजे का मेल मिलाप तो हर किसी के साथ है जी, नंबरदार ने कहा। कभी कभी इन भाइयों के घर भी आता है। आखिरी बार उसे यहाँ कब देखा था? मैंने पूछा। उसने याद करने के लिए छत की तरफ देखा और चौंक पड़ा। वारदात क्या है? उसने मुझसे पूछा। ये वो वारदात नहीं जिसमें हसनपुरे खोजे का गांव के करीब एक लड़की की लाश मिली है? वही वही, मैंने जवाब दिया। जनाब, उसने एक आंख बंद करके कहा, लड़की हमारे गाँव से गई थी ना, ये वारदात खोजे की है, करवाई इन भाइयों ने है। लड़की सूबेदार का बेटा लाया था। मैं कल परसों यहाँ आया था, मैंने कहा। तुमने उस वक्त तो कुछ नहीं बताया मुझे। आपने मुझसे पूछा ही कब था? उसने कहा। आप दूसरे थाने के थानेदार हैं, मैं समझा कोई आपके थाने की वारदात है। मुझे तो आपके जाने के बाद पता चला था कि वारदात है क्या। अब आपने खोजे का और इन भाइयों का जिक्र किया है तो मुझे कुछ याद आया है। गांव में किसी का भेद छुपा नहीं रहता। हमने देखा कि सूबेदार और उसकी बीवी अपने नौकर के कच्चे कोठे में गए और थोड़ा वक्त लगाकर निकले। फिर उनका बेटा मजहर वहां गया, वो 2 घंटे लगाकर निकला। शाम के बाद वो फिर नौकर के घर गया और बहुत वक्त बाद बाहर आया। अगले रोज सूबेदार अकेला नौकर के कोठे में गया और थोड़ी देर बाद निकला। फिर मजहर गया और बहुत देर बाद निकला। ये सिलसिला 3-4 रोज लगा रहा। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो सूबेदार से पूछता कि वो नौकर के घर क्यों बार बार जाते हैं, लेकिन लोगों को चोरी चोरी टोल लगाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। खुद मैंने उनके नौकर से पूछा कि ये लोग बार बार तुम्हारे घर क्यों आते हैं। सोचने वाली बात तो ये थी कि नौकर वहाँ अकेला रहता है, नौकर मेरे आगे कैसे झूठ बोलता। उसने बताया कि सूबेदार का लड़का कहीं से एक लड़की लाया है जिसे इसके घर में रखा हुआ है। मैं हैरान कि ये कैसी लड़की है जिसे बाप बेटे ने साझा रख लिया है। अब आपने खोजे की बाबत पूछा है तो याद आया कि मैंने एक रोज खोजे को सूबेदार के नौकर के मकान से थोड़ी दूर खेतों में खड़े देखा था। वो दोनों इस कोठे के करीब से गुजरे थे। मेरे पूछने पर उसने वो दिन बताया जिस दिन उसने उन्हें देखा था। मजर ने मुझे शीदी की गुमशुदगी की रात बताई थी। मैंने हिसाब लगाया तो ये वही दिन था जिस रात लड़की लापता हुई थी। मैंने नंबरदार के साथ 2 कांस्टेबल भेजे और वो दोनों भाइयों को जगाकर ले आए। इनके जाने के बाद मैंने मजहर और उसके बाप के साथ लिया और उन्हें कहा कि वो मुझे अपने नौकर के घर ले चलें। मेरे पास 2 टार्चें थीं, नंबरदार के घर से लालटेन भी ले ली। बाहर पेशावर खुशामदी खड़े थे, हालांकि आधी रात होने को आई थी। इनमें 2 आदमी दौड़े गए और अपने घरों से लालटेन उठा लाए और मेरे आगे आगे चल पड़े। नौकर अपने घर में सोया हुआ था, उसे जगाकर मैंने दोनों कमरे देखे। सहन बहुत छोटा था, सहन की दीवार कच्ची और 7 फीट ऊंची थी, उस पर लिपाई की हुई थी। मैंने लालटेनों और टार्चों की रोशनी में दीवार को देखना शुरू किया। एक जगह ऐसी रगड़ थी जैसे किसी का पाँव लगा हो। बाहर जाके दीवार को वहाँ से देखा, पाँव की रगड़ बड़ी साफ नजर आई। यहाँ से एक आदमी ऊपर गया, दीवार फांदी और अंदर से दरवाज़ा उसी ने खोला होगा। मैंने दीवार के साथ अंदर और बाहर टार्च की रोशनी में ज़मीन देखी, कोई खुरा नज़र ना आया। चंद दिन गुजर गए थे, खुरे मिट गए थे। मैंने नौकर से पूछगिछ की, उसने बताया इतना ही कि वो कहाँ था। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि उसने लड़की को अगवा करने वालों की मदद की होगी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। दोनों भाई आ गए, मैंने उनके साथ कोई बात न की। मेरी हालत ये हो गई थी कि हड्डियाँ दुख रही थी, लेकिन मैं अभी आराम नहीं कर सकता था। मज़हर, उसके बाप, उसके नौकर, दोनों भाइयों और नंबरदारों को मैंने साथ लिया और थाने को रवाना हो गया। हम जब थाने पहुंचे तो सुबह तुलू होने वाली थी।
मैंने इन सबको अपने अमले के हवाले किया और कहा कि इन सबको इस तरह अलग अलग रखो कि कोई भी एक दूसरे के साथ बात ना कर सके। मैं घर चला गया और वर्दी समेत चरपाई पर गिर पड़ा। फौरन ही मेरी आँख लग गई। आँख खुली, बीवी ने जो कुछ सामने रखा वो बड़ी जल्दी जल्दी खाकर मैं थाने आ गया। सबसे पहले शीदी के नौकर को बुलाया, कुत्ता उसके साथ था। मैंने उससे उसका नाम पूछा जो वो ना बता सका। उसके सर के बाल हटाकर देखा, एक जगह उभार था और जिल्द जरा सी फटी हुई थी। उभार यहाँ मामूली सा था, यहाँ उसे मजहर का डंडा लगा था। कमीज उठवाकर उसकी पीठ देखी, जहाँ डंडे लगे थे वहाँ बड़े साफ निशान थे। उसे मैंने हॉस्पिटल सिविल सर्जन के पास ASI के साथ भेज दिया। ASI को मालूम था कि उसका मुआयना कराना और रिपोर्ट देनी है। ये नौकर मेरे लिए बड़ा ही कारामद गवाह था, लेकिन बेकार हो गया था। खोजे के गांव के नंबरदार को मैंने गांव में बहुत गालियां दी थीं और उसे धमकी भी दी थी कि मैं उसकी नंबरदारी मंसूख करा दूंगा। उसे अब थाने में बैठे तीसरा दिन था। मैं शीदी के गांव, फिर मजहर के गांव चला गया था। नंबरदार और खोजे के साथ मैंने उन दो भाइयों को भी थाने भिजवा दिया था जो कुत्ते को पकड़ कर लाए थे। ये सब बहुत परेशान थे। मैं शीदी के नौकर से फारिग हुआ तो खोजे के गाँव का नंबरदार अंदर आ गया। मैंने उसे फिर गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि मैं उसकी रिपोर्ट लिख रहा हूं कि उसने एक सजा याफ्ता और पेशावर डकैत को दोस्त बना रखा है और उस पर पर्दा डाला हुआ है। हुजूर, नंबरदार ने हाथ जोड़कर कहा, ये देखें, मेरी गलती माफ कर दें। एक बात बताने आया हूं, उस शाम खोजे के पाँव में गुर्गा भी थी और तुमने गाँव में सबको इशारे से बता दिया था कि मुझे कोई ना बताए कि खोजे ने गुर्गा भी पहन रखी थी। मैंने ये कहकर फिर गालियां देनी शुरू कर दी। वो रोने पर आ गया और बोला, मेरा कसूर माफ कर दें, एक और बात भी आपको बताता हूँ। आप जब खुरे देख रहे थे उस वक्त खोजे को अपने खुरे का ख्याल आ गया, उसने गुर्गा भी कहीं छुपा दी थी। मेरी बक बक और गालियों से मुझे यह हासिल हुआ कि खोजे के खिलाफ शहादत मिल गई। मैंने खोजे को बुलाया, खोजे, मैंने उसकी आंख में आंखें डालकर पूछा, गुर्गा भी कहाँ छुपाई है? वो घाघ उस्ताद था, फौरन अनजान बन गया और ऐसी एक्टिंग शुरू कर दी जैसे मैं किसी गलत आदमी से बात कर रहा हूँ। खोजे, मैंने बड़े आराम से कहा, मैं अपना सवाल दोहराया नहीं करता। तुमने देख लिया है कि तुम्हारे दोनों दोस्तों को पकड़ लाया हूँ। वो तुम्हारी तरह पेशावर नहीं है कि पुलिस की चोट बर्दाश्त कर सकें, एक ही दबके से बक पड़ेंगे। देख खोजे, तेरे इलाके के थानेदार ने कहा है कि तेरा ख्याल रखूँ। अगर तू अपना ख्याल खुद नहीं रखेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा ताल्लुक तेरे साथ है, अगर ताल्लुक निभाना है तो बोल, वरना मुझे तेरे इकबाली बयान की ज़रूरत ही नहीं। मैं सोचने की ज़्यादा मोहलत भी नहीं दूंगा। मेरे थाने की मार सह जाओगे तो कहूँगा कि वाकई उस्ताद हो। अगर मेरे इकबाली बयान की ज़रूरत नहीं तो मुकदमा बना लो, उसने कहा। मैं उठा और बातें करते करते उसके पीछे चला गया। मुझे खुदा ने बड़ा अच्छा जिस्म और कद दिया है। वो मुझसे आधे जिस्म का था। मैंने उसे पीछे से कमर से पकड़ा और 3-4 फीट ऊपर उठाकर बड़े जोर से उसके पांव फर्श पर मारे, जैसे उसे जमीन में ठोकने की कोशिश की हो। उसे छोड़ दिया, वो पीठ के बल लेट गया। इस तरह रीढ़ की हड्डी पर ऐसी जर्ब पड़ती है जो कभी हकेल आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उठने की कोशिश करने लगा लेकिन कमर पर हाथ रखकर बैठ गया। मैंने उसकी पगड़ी उतारकर उसके बाल मुट्ठी में लिए और ऊपर खींचे। वो दांत पीसकर उठा, मैंने उसे आगे को झटका दिया और वो मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। वादा माफ गवाह बनाओगे? उसने दर्द से कांपती हुई आवाज में पूछा। तो मैं और क्या कह रहा था, मैंने कहा। मैंने उसे वादा माफ गवाह बनाने का झूठा वादा दिया और उसने बयान दे दिया। इसे आप ये ना समझें कि उसने मेरी मार पिटाई से डर कर इकबाले जुर्म किया था। ये लोग पत्थर होते थे, नशा, तशद्दुद और अज़ियतें सहने के आदि थे। इनका तरीका यह था कि जहां देखा कि इकबाले जुर्म करना ही पड़ेगा तो फौरन मान जाते थे, फिर अदालत में पुलिस को खराब करते थे। उसका मुख्तसरन बयान ये था कि मजहर की मंगेतर के बड़े भाई के साथ उसके ताल्लुकात थे। भाई ने उसे कहा कि एक लड़की उठानी है। खोजा इस काम का माहिर था। मंगेतर के भाई ने इसे वो मकान दिखाया जिसमें मजहर ने शीदी को रखा हुआ था। एक रात ख्वाजा आया। दोनों भाइयों को पहले से मालूम था। खोजे ने दीवार फलांगी और अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। दोनों भाई अंदर गए। शीदी गहरी नींद सोई हुई थी। खोजे ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया।
वो जाकर तड़पने लगी। तीनों ने उसे उठा लिया और बाहर ले गए। ये मकान गांव के बाहर था, इसलिए पकड़े जाने का खतरा ना था। गांव से तकरीबन 1 मील दूर तक वो शीदी को बारी बारी कंधे पर उठाकर ले गए, फिर उसे उतार दिया और उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। हमसे डरो नहीं लड़की, मंगेतर के बड़े भाई ने शीदी से कहा, तुम्हें हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी, तुम्हें हम कहीं और नहीं ले जा रहे, ये तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचा देंगे, अपने घर चली जाना, अगर इस गांव में आओगी तो कत्ल हो जाओगी। शीदी ने उन्हें कहा कि वो अपने घर गई तो उसका बाप और उसका भाई उसे जान से मार डालेंगे, वो घर नहीं जाएगी। दोनों भाइयों ने उसे बहुत कहा कि अपने घर चली जाए, लेकिन वो नहीं मानती थी। उसने ये भी कहा कि उसे यहीं छोड़ दिया जाए और वो जिधर जाना चाहेगी चली जाएगी। सबको मालूम था कि वो वापस मजहर के घर जा पहुँचेगी। खोजे की नीयत खराब हो गई। उसने सोच लिया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, इसे बेचा जाए तो बहुत कीमत मिलेगी। उसने ये इरादा करके दोनों भाइयों से कहा कि इसे वो अपने घर ले जाएगा और समझा बुझाकर घर भेज देगा। उसने इन भाइयों से कहा कि वो चले जाएं, लेकिन भाई लड़की के साथ रहना चाहते थे। खोजे ने मुझे अपने इकबालिज रूम में बताया कि उसे अपनी नीयत पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा था। लड़की रोती थी, खोजे ने मुझे बताया, उसे तो रोना ही था। मैंने देखा कि दोनों भाई भी बहुत परेशानी और घबराहट में थे। वो लड़की को समझाते थे कि मजहर की मंगनी हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है और अगर तुम वहाँ रहीं तो मारी जाओगी, यही मजहर तुम्हें खराब करता रहेगा, लेकिन लड़की नहीं मानती थी। भाई डरने लगे कि लड़की को कहाँ ले जाएं। लड़की ने आखिर ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे कत्ल कर दो। यहाँ मुझे शक होने लगा कि खोजा झूठ बोल रहा है। अजीब अफवाह था ये, तो मुझे मालूम था कि मजहर की मंगेतर के भाई इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इन्हें लड़की की इज्जत का इतना ख्याल क्यों था? इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों में लड़कियों को ख़राब किया जाता है और सारा गुस्सा बेबस औरतों पर निकाला जाता है। मैंने खोजे को बोलने से ना रोका, सोचा कि इसे बयान पूरा करने दूं। उन्होंने आखिर ये फैसला किया कि एक भाई खोजे और लड़की के साथ खोजे के गाँव चला जाए। लड़की कैसे तंग आकर खुद ही कह देगी कि मुझे घर छोड़ाओ। खोजे को इन दोनों भाइयों ने 500 रुपये देने का सौदा किया था, जो काम हो जाने पर अदा करना था। उस वक्त का 500 रुपया आज के 10,000 रुपये के बराबर था। उनका मतलब कुछ और था, मेरी नीयत कुछ और थी, खोजे ने मुझे बयान देते हुए कहा। मैंने बड़े भाई को परे ले जाकर कहा कि तुम लड़की को अपने गांव से गायब करना चाहते थे, वो हो गई है, अब ये जिए मरे जिधर भी जाए तुम्हें क्या, इसे मेरे हवाले करो और तुम जाओ, मैं तुमसे एक पैसा नहीं लूँगा, लड़की मुझे दे दो। बड़े भाई ने कहा कि हमारी दुश्मनी मजहर के साथ है, इस लड़की के साथ नहीं। हमने एक तरफ मंगनी तोड़ दी है और दूसरी तरफ इस लड़की को गायब कर दिया है, जिसकी खातिर वो हमें जलील करना चाहता था। लड़की का क्या कसूर है? ये इज्जत वाले बाप की बेटी है, मैं इसे अमानत समझकर इज्जत से इसके बाप के पास भेजूंगा, वो इसे मारे पीटे कत्ल करे ये उसकी मर्जी है, ये बेचारी अकेली हम 3 आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं इसकी इज्जत की हिफाजत करूंगा, तुम्हें हम 500 रुपये नकद देंगे। खोजा चुप हो गया। फैसला हुआ कि छोटा भाई खोजे और लड़की के साथ जाए। लड़की को बड़े भाई ने एक बार फिर तसल्ली दी कि इसकी इज्जत पर कोई हाथ नहीं डालेगा और वो डरे नहीं। उसने लड़की से ये भी कहा कि जो कुछ हो रहा है उसकी बेहतरी के लिए हो रहा है और वो अपनी बेहतरी सोचे और अपने घर चली जाए। छोटा भाई खोजे और लड़की के साथ चला गया। बड़ा भाई वापस आ गया। खोजे का गाँव ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ कोई खतरा भी नहीं था। छोटे से इस गांव की सारी आबादी खोजे के साथ थी, नंबरदार उसका दोस्त था। लड़की को खोजे के घर से ले गए। बेशक गांव के लोग खोजे के साथ थे, फिर भी खोजे ने किसी को पता न चलने दिया कि उसने घर में एक लड़की छुपा रखी है। छोटे भाई को खोजे ने कहा कि वो बाहर ना निकले। छोटा भाई 19-20 साल का नौजवान था, इतनी खूबसूरत और उसकी उम्र की लड़की उसके कब्जे में थी, लेकिन उसने लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा, उसे यही कहता रहा कि वो अपने घर चली जाए। ये लड़का खुद उसके साथ जाने को कह रहा था, लेकिन लड़की नहीं मानती थी। मेरे पूछने पर खोजे ने मुझे बताया कि उसी दौरान शीदी का नौकर और कुत्ता गांव में आ चुके थे। खोजे को ये तो मालूम ही नहीं था कि इस पागल का और कुत्ते का शीदी के साथ कोई ताल्लुक है। शायद 3 दिन लड़की खोजे के घर में कैद रही। इतने में मुझे नौकर और कुत्ते की इतला उस इलाके के थाने से मिली और मैं शीदी के बाप और भाई को साथ लेकर उसके गांव में गया। वहीं रात हो गई।
खोजा ने मुझे बताया कि वो इस मौके से ये फायदा उठाना चाहता था कि मंगेतर के छोटे भाई को डराए कि पुलिस आ गई है और वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो भाग जाए। खोजे की स्कीम ये थी कि वो इसे भगाकर खुद लड़की को ये चकमा देगा कि आओ तुम्हें मजहर के पास छोड़ा हूँ, फिर वो इसे अपने किसी और ठिकाने पर ले जाएगा। उसने छोटे भाई को डराया लेकिन वो ना डरा। उसने कहा कि मैं जाऊँगा तो मेरे साथ लड़की भी जाएगी खोजे के पास। अब सोचने के लिए वक्त ना था, उसकी नज़र मुझ पर थी। अगर उसके अपने इलाके का थानेदार होता तो वो ना डरता। मैं दूसरे थाने का थानेदार था इसलिए वो डरता था। उसने आखिरी बार छोटे भाई को इतना डराया कि भाई ने कहा कि लड़की को यहाँ से निकालो। ख्वाजा लड़की पर कब्जा करना चाहता था। इस पर इन दोनों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने कहा कि मैं लड़की तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, खा जान चली जाए। मैंने इरादा कर लिया कि इस लड़के को ख़त्म कर दूँ, खोजे ने मुझे सुनाया। सबसे पहले तो मैं गाँव से निकलना मेरा ज़रूरी था। हमने लड़की से कहा कि आओ तुम्हें मज़हर के पास ले चलें और वो चल पड़ी। मैं जब इस गांव में था उस वक्त खोजा और छोटा भाई लड़की को निकाल ले गए और गांव से दूर निकल गए। जाए बकुआ पर इनका फिर झगड़ा हुआ। खोजा एक रस्सी साथ ले गया था, इससे वो इस लड़के को मारना चाहता था, लेकिन खोजे का दिमाग फिर गया। उसने रस्सी लड़की के गले में डालकर उसे मार डाला। अजीब बात यह हुई कि छोटे भाई ने उसे ना रोका, वो देखता रहा। लड़की मर गई तो खोजे ने लड़के से कहा कि वो अपने गांव चला जाए और जुबान बंद रखे। छोटे भाई ने उसे कहा कि वो लड़की का जेवर उतार ले, यह भी सौदे में शामिल था। लेकिन खोजे ने नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा, मैंने खोजे से पूछा। मेरा दिल नहीं माना, उसने जवाब दिया। मैं जीते जागते आदमी को रोककर उससे माल निकलवाया करता हूँ, किसी जिंदा औरत का भी जेवर कभी नहीं उतारा। ये तो मरी हुई औरत थी, आप मुझे नहीं जानते, मैं ललकार कर वारदात किया करता हूँ। इस वक्त तक 8-10 गरीब लड़कियों को जेवर पहनाकर उनकी शादियाँ कर चुका हूँ। यही वजह है कि इस इलाके का कोई भी आदमी मेरे खिलाफ मुखबिरी नहीं करता। अगर मैं हर एक बात और हर एक तफसील लिखने लगूँ तो ये कहानी 150-200 सफ़ों तक पहुँच जाए। मैंने कातिल आपके सामने खड़ा कर दिया है। खोजे के बाद मैंने दोनों भाइयों को बारी बारी बुलाया। उन्होंने इकबाल जुर्म करने के लिए मुझे कुछ परेशान किया, लेकिन वो जुराइम पेशा नहीं थे। मेरी बातों में आ गए और उन्होंने अलग अलग इकबाली बयान दे दिया। बड़ा भाई गुस्से में था, कहता था कि वो लड़की को कत्ल करना नहीं चाहता था। मैं दोनों भाइयों के इस किरदार से मुतासिर था कि उन्होंने लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। ये मुकदमा पेचीदा था और बहुत फैला हुआ भी। शहादत कम थी, मौके का गवाह कोई ना था। मैंने मजहर को भी गिरफ्तार कर लिया। शीदी के नौकर को डंडे मारकर उसे फेंक जाने पर उसके खिलाफ जेर दफा 307 मुकदमा तैयार कर लिया। इसमें मुश्किल ये थी कि मजरूब सर में चोट लगने की वजह से याददाश्त खो बैठा था। कोर्ट के हुक्म पर उसे दिल्ली भेजा गया। रिपोर्ट आई कि चोट ने उसे इस हालत में पहुंचाया है। डॉक्टर ने कोर्ट में आकर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ये मेरा सबसे मुश्किल मुकदमा था। बड़ी मेहनत से मुझे शहादत के खाली खाने पूर करने पड़े। इस पेंडिंग में शीदी के बाप और भाई ने मेरी बहुत मदद की। ख्वाजा सीशन कोर्ट में अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गया था। मुझे मालूम था कि वो ऐसा ही करेगा। उसका मैंने बड़ा ही पक्का इंतजाम कर रखा था। उसका पिछला रिकॉर्ड ही उसके खिलाफ काफ़ी था। खोजे और मंगेतर के छोटे भाई को उम्र कैद, बड़ी भाई को 7 साल और मजहर को 3 साल सजाए कैद दी गई। हाई कोर्ट ने सबकी अपीलें मुस्तरद कर दी। इस केस में